नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मोटर पानी क्यों नहीं उठाता है। ठीक है, कि क्या कारण से मोटर पानी नहीं उठाता है। तो आइए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कि मोटर क्यों नहीं पानी उठाता है। ठीक है, मोटर क्या कारण से पानी नहीं उठाता है। तो देखिए, सबसे सिंपल बात रहता है कि वाटर सील खराब होने के वजह से पानी नहीं उठाता है। तो हम वाटर सील को नया डालेंगे। ठीक है, हम वाटर सील भी डालें तो नहीं हमको पानी धर रहा है। तो कभी कभी बाई चांस कैपेसिटर को क्षमता कम हो जाता है, इस वजह से पानी नहीं उठाता है, तो कैपेसिटर के बदलेंगे। ठीक है, और इस भी ठीक है, कैपेसिटर भी ठीक है, तो और क्या खराब हो सकता है। तो मोटर का एम्पलेयर जो लगा होता है वो कभी कभी बाई चांस हाफ HP या 1 HP का मोटर रहता है, उसमें एम्पलेयर का दांत खिया जाता है, यानी कि लगड़ देता है किसी कारण से। तो वो खराब होने के वजह से, उसी वजह से भी पानी नहीं उठाता है। ठीक है, तो उसको भी बदल लेंगे तो हमारा पानी का प्रेशर सही हो जाएगा। और एम्पलेयर बदलने के बाद भी नहीं पानी उठा रहा है तो क्या कारण हो सकता है। तो कभी कभी केस में बाइंडिंग यानी मोटर जलने का समस्या हो सकता है। मोटर जलने के वजह से पानी नहीं उठाता है, उसका स्पीड कम हो जाता है। तो ये सब कारण आप फॉलो करिएगा बारी बारी से, तो आपको पानी बिल्कुल धर लेगा। ठीक है, ज्यादा चांस तो वाटर सील से नहीं रहता है। वाटर सील डालने के बाद करीब करीब सही हो जाता है। ठीक है, फिर कैपेसिटर डालेंगे, फिर एम्पलेयर डालेंगे। ये सब काम करने के बाद आपको मोटर पानी 100% धर लेगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में